28 मई 1998 का पाकिस्तान चाहिए या 9 मई 2023 का। एक तरफ पाकिस्तान को नाकाबले तस्वीर बनाया गया तो दूसरी तरफ फौजी तनसीबात और शोदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। मरियम नवाज का यौम तकरीर की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब। सैफुल मुल्क खोकर, हाफिज मियां नुमान, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर समेत दीगर रहनुमा शरीक। गुलकार वारस बेग, साहिर अली बग्गा, हुमैरा अरशद की शानदार परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। नून लीग के दौरे हुकूमत में मुल्क खुशहाल था। महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का ऑडियो खिताब। कहा, आवाम को हमेशा हकायक याद रखने चाहिए। असल एब्सोल्युटली नॉट 28 मई 1998 को हुआ। आलमी दबाव को नज़रअंदाज करके एटमी धमाकों का हुक्म दिया। इदारे पाकिस्तान में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तकबीर कॉन्फ्रेंस। रहनुमा काफलीग चौधरी मोहम्मद सरवर, खालिद मंसूर सिंधु, मौलाना नासिर मदनी की शिरकत, मौलाना इब्तिसाम इलाही जहीर समेत दीगर का खिताब। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान को बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे। अल्लामा इब्तिसाम इलाही जहीर बोले कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सियासत में दीन की हाकमियत के लिए आई। कॉन्फ्रेंस में सूबाई और जली सदूर समेत कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सस्ता प्रोटीन और फार्मी अंडे गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा, 587 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा, 272 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। इतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। गिरा फरोशी अरूज पर अशियाई खुरनोश 5 से 10 रुपये महंगी फरोख्त। आलू 68 के बजाय 80 रुपये, टमाटर 32 के बजाय 40 रुपये किलो में फरोख्त। प्याज, अदरक, खीरा, बैंगन, सेब, तरबूज भी महंगे। कच्चा जेल रोड पर तजावुजात की भरमार। रेड़ी बानों ने आधी सड़क पर कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बकर मंडी मेन बाजार की गलियां अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। खराब सीवरेज सिस्टम के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा। उधर शादमान में खुदाई के दौरान पानी की पाइप लाइन फट गई। अहले इलाका को पानी की फ्राहमी मुअत्तल। जमान पार्क से बीडीआई के कैंपों और रुकावटों का खात्मा। अहले इलाका का कानून नाफिज करने वाले इदारों से इजहार तशक्कुर। कहते हैं, यहाँ नो गो एरिया बन चुका था, मरीजों और फैमिलीज के साथ निकलना महाल था। जमान पार्क के रिहायशियों की 9 मई के वाकयात की भी मजम्मत। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान में इंतशार के अलावा कुछ नहीं दिया। रावी शहर का चहारबाग रिहायशी मंसूबा फन्ने तामीरात का शाहकार होगा। आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे दीगर मंसूबों से मुमताज करेगा। सीईओ रूडा इमरान अमीन की हफ्तावार ब्रीफिंग। बताया, चहारबाग मंसूबे के 2 फेज होंगे। पहले फेज के रिहायशी और कमर्शियल तामीरात का इब्तदाई मरहला मुकम्मल हो चुका। जिले इंतजामिया छुट्टी के रोज भी फील्ड में मुतहरिक। इंसदाद डेंगू कार्रवाइयां जारी। डीसी राफिया हैदर का शाह जमाल का अचानक दौरा। घरों, दरबार और निजी दफातर की चेकिंग। डीसी की टीमों को हॉटस्पॉट पर फोकस करने की हदायत। वजीर आजम की आईनी सूरत हाल के पेश नजर लीगल टीम के साथ अहम मुलाकात। लीगल टीम की वजीर आजम शहबाज शरीफ को अहम केसेस पर ब्रीफिंग। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तार, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान समेत दीगर शरीक हुए। नौ मई के वाकयात मनसूबाबंदी के तहत किए गए। माजी में हसास तनसीबात पर हमले का सोचा भी नहीं गया। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की जिना हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। जिना हाउस के तकद्दस को पामाल किया गया। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन के लाहौर में मुस्तकिल डेरे। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं से राबते। अहमद शाह खग्गा, सईद अकबर नवानी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और नई जमात के नाम पर मुशावरत की गई। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजारों के दौरे। वहदत कॉलोनी, सब्जाजार, ठोकर, जौहर टाउन में कीमतों का जायजा। शाहिद कादिर की मॉडल बाजारों में सफाई के इंतजामात बेहतर करने की हिदायत की।
पाक फौज से इजहार यकजहती, इत्तेफाक रिक्शा जूनियर और पख्तून फलाही तंजीम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे, हाजी नादिर खान, सदर मलिक परवेज, सैयद कयूम ज़ादा समेत दीगर शरीक। उधर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम तकबीर की तकरीब, जमीयत उलमाए इस्लाम के तहत भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाले गए। डॉक्टर ए के खान हस्पताल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर की तकरीब हुई। ट्रस्ट के बानी डॉक्टर शौकत बाबर बिर का इजहार ख्याल, कहा 28 मई को पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। चेयरमैन ट्रस्ट कैसर अमीन भट्ट की रिहाइश गाह पर यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटा गया। एजीसन कॉलेज में एस एन जावेद साइंस इन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने फीता काटा। प्रिंसिपल एजीसन कॉलेज माइकल थॉम्पसन हमराह थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि एजीसन कॉलेज एक तारीखी और कदीमी तालीमी दरसगाह है। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी से लाहौर बार एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। सदर बार एसोसिएशन राना इंतज़ार हुसैन ने क़यादत की। वकला बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का वफद भी वज़ीर-ए-आला से मिला। वफद ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज, अकबर शेख, हाफिज नुमान, कमिश्नर लाहौर शरीक थे। इंचार्ज पुलिस तहफ़ मराकज और विक्टम सपोर्ट अफसरान का इंटरेक्टिव सेशन आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने सदारत की। तहफ़ सेंटर्स के विक्टम सपोर्ट अफसरान इंचार्जेस के किरदार, दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर अहलकारों के लिए 60 लाख रुपए इनाम का ऐलान। लाइसेंस के हसूल को आसान और शफाफ बना दिया गया। शहरी सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। सिटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज का वीडियो पैगाम, कहा रवां साल बगैर लाइसेंस पर 1,31,000 से ज्यादा ड्राइवर्स जुर्माना किया गया। एफबीआर के 3 अफसरान के तकरर तबादले। हबीबुर रहमान एडिशनल डायरेक्टोरेट इंटरनल ऑडिट रावलपिंडी, ताजनात अरशद रहमान एपीएस रावलपिंडी मुकर्रर, सज्जाद हैदर को बतौर सुप्रिंटेंट ऑफिसर चार्ज संभालने की हदायत। जामिया नईमिया में आज़मीन हज के लिए तरबियती सेशन। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुफ्ती मोहम्मद अहमद मदनी का लेक्चर, मुफ्ती इमरान हनफी समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। जोहर चौक में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो, मुल्क के मारूफ ब्रांड्स ने अपने स्टॉल्स लगाए। सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने नुमाइश देखी। शाहीन प्रीमियर लीग टी20 टेबल टूर्नामेंट ऑल स्टार्स ने फाइनल में हक वॉरियर्स को शिकस्त दी, जबकि रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बोस ने फातह टीम को इनाम दिए। गर्मी से परेशान शहरियों के नहर पर डेरे, मंचनों की मौज मस्तियां, खूब डुबकियां लगाई। कहते हैं गर्मी से बचने के लिए नहर बेहतरीन जगह है। लाहौर समेत पंजाब भर में कल बारिश की पेशगोई। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश में पक्को यालाबारी का भी इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बच्चों के आगे वालिदैन की एक नहीं चलती। गर्मी के बावजूद चिड़ियाघर में शहरियों की बड़ी तादाद का रुख। बच्चों ने झूलों और मनपसंद खानों का लुत्फ उठाया। वालिदैन का कैंटीन में महंगी अशिया फरोख्त होने का शिकवा।